हाँ जी बताओ, क्या तकलीफ है आपको? अभी मेरे को सिकंदरपुर मेट्रो के नीचे पकड़ा, कागज मेरा कुछ भी नहीं देखा, कागज मेरे साथ में है। हाँ। कागज मेरा टोटल ओके है। हाँ। वो पूछा मुझसे कि पहले कुछ नहीं बोला, गाड़ी जैसे रोका बोला नीचे आ। हाँ। 100 रुपए दे। कौन था? ट्रैफिक पुलिस। होमगार्ड था या ट्रैफिक पुलिस था वर्दी में? ट्रैफिक पुलिस था वर्दी में। अच्छा। और होमगार्ड ने रोका था। अच्छा, दोनों थे? दोनों थे। हाँ, फिर होमगार्ड ने रोका, होमगार्ड ने ट्रैफिक पुलिस जो चालान काटते हैं उनके पास भेजा, उनके पास गया, वो बोला नीचे आ। हाँ। मैंने नीचे उतरा, मैंने कहा सर मेरे पास सब है। हाँ। उसने मेरा कुछ भी नहीं देखा। हाँ। उसने सिलेंडर देखा। क्या देखा? सिलेंडर, आग बुझाने वाले सिलेंडर देखा। और वो देखा, वो देखने के बाद उसने गाड़ी मेरा, उससे मैंने हाथ भी जोड़ा और उससे रिक्वेस्ट भी किया, नहीं माना। लास्ट में गाड़ी उसने बॉन्ड कर दिया। बॉन्ड कर दिया गाड़ी? बॉन्ड कर दिया, 100 रुपए नहीं दिया था। अच्छा, फिर गाड़ी बॉन्ड कर दी। उसके बाद उसको कह रहे हैं सर गाड़ी बॉन्ड क्यों कर रहे हैं, कागज वगैरह सब है मेरे पास। हाँ। फिर गाड़ी क्यों बॉन्ड कर रहे हैं? हाँ। कह रहे तेरे सिलेंडर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर मेरे साथ उसने बदतमीजी भी हाथ बात उठाया क्या? उसने हाथ उठाया। फिर हाथ उसने उठाया मेरे ऊपर। फिर उसके बाद वहाँ ऑटो वाले आए, दो एक आए, मुझे पकड़ के लेके चला गया। उसके बाद मैंने चालान मेरे हाथ में थमा दिया। हाँ। गाड़ी लेके थाने में चले गए। गाड़ी लेके थाने में चले गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ है। अशरफ, आपका बैच नंबर क्या है? बैच नंबर नहीं है, लाइसेंस नंबर। हाँ, लाइसेंस नंबर दिखाइए। ऑटो का नंबर क्या है? 0337। नहीं, पूरा नंबर बताइए। 455 HR55 W 0337। तो आपके हिसाब से नाजायज उन्होंने किया आपके साथ? मेरे हिसाब से तो नाजायज ही है सर, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है। हाँ। रिक्वेस्ट मेरा माना नहीं, 100 रुपए का चक्कर। हाँ हाँ। आपका फोन नंबर क्या है बताइए? मेरा फोन नंबर? हाँ बोलिए। 6204866949। ठीक है, आपके साथ क्या हुआ भाई साहब? मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मेरे पास सब कुछ कंप्लीट है। इसके पास ये भी कह रहे कंप्लीट है? मेरे पास वैसे हर चीज है। हाँ, नहीं तो वैसे पुलिस वाले अगर रोकता है। हाँ। तो ज्यादातर जो है ना कुछ कहानी बनाता है वो लोग। हाँ, फिर बोलता है कॉन्डोम नहीं है। हाँ। फास्टर बॉक्स नहीं है। हाँ। सिलेंडर नहीं है। हाँ। ये नहीं है, वो नहीं है। हाँ। सौ बहाने करता है। हाँ। जैसे प्राइवेट लाइसेंस है, प्राइवेट लाइसेंस अभी मेरे को करीब एक हफ्ता पहले पकड़ा था। हाँ। सेक्टर 42 के लालबत्ती पे। वहाँ पे पुलिस वाले ने बोला कि भाई तेरा सब कुछ हो गया, दिखा दिया मैंने। हाँ। लास्ट में बोला लाइसेंस दिखा। हाँ। बोल रहा ये लाइसेंस है नहीं, अलाउ नहीं। अच्छा। प्राइवेट लाइसेंस से तुम प्राइवेट गाड़ी चला सकते हो, तुम कमर्शियल गाड़ी चला रहे हो। अच्छा, वो तो ठीक बोला। इसमें जो है ना तुम्हें अलाउ नहीं है। ठीक है, वो तो ठीक बोला ना। और किससे पैसा लिया ना जाए, वो बुला ना उसको। नजायज पैसा किससे लिया? मेरे से भी लिया था। कल आपसे नजायज पैसा लिया? कल क्या हुआ था? तकरीबन कहाँ पे लिया? कितने बजे कहाँ पे लिया? 7 बजे सिकंदरपुर मेट्रो के नीचे। मैं उधर से आ रहा था ब्रिस्टल चौक से, रोड बिल्कुल खाली था। पुलिस वाला इधर से पैदल जा रहा था, वो पैदल जा रहा था, मेरे को आगे आया, बोला कहाँ जा रहा है बेटा? मैंने कहा सर मेट्रो पे गाड़ी लगाऊंगा। तो ठीक है, साइड में लगा, मेरे को छोड़ दे आगे। मैंने कहा सर बैठो। जैसे उसने बैठा मेरे को बोला के कागज देखा। हाँ। मैंने कहा मेरे से धोखाबाजी कर रहे हो। हाँ। आपने बोला बेटे मेरे को आगे छोड़ दो। हाँ। मैंने बिठाया। हाँ। तो बिठाने के बाद आप बोल रहे हो कि मेरे को कागज दिखाओ। हाँ। मैंने सारे कागज दिखाया। हाँ। कागज दिखाने के बाद कह रहा है कि तेरे पास ये प्रदूषण फेल है। हाँ। तो 1100 का चालान है। मैंने कहा सर ऐसे छुट्टी का दिन चल रहा है और आप मेरे से 1100 रुपए का चालान भुगतवा रहे हो। इतना दिन से ऑटो चला रहा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे सारे पुलिस वाले तो है ही, यहाँ पे टैक्सी के पास लेने के लिए बोला, अभी बोल रहे इको चुक ले लो। हाँ। तो मैंने बोला कि ठीक है सर मेरे पास 200-300 रुपए, आपको कुछ कहना है तो बताइए। हाँ। तो कह रहा है पैसे दे मेरे हाथ में। हाँ। मैंने उसके हाथ में पैसे दे दिया। हाँ। पैसे देने के बाद मैं कह रहा है कि ठीक है मैं 300 रुपए ले लेता हूँ, बाकी तू जल्दी चला जाए से। मैं जल्दी क्यों चला जाऊँ, तुम गाड़ी ले जाओ मेरा। उसने मेरे से ऐसे छोड़ने के लिए बोला और मेरे से 300 रुपए ले लिया, मेरा कुछ कागज भी नहीं देखा। हाँ। ऐसे 300 रुपए लेके चला गया, बोला मैं इको चौक जा रहा हूँ। अच्छा, आपके साथ आपका नाम क्या है? मेरा नाम कैसर आलम है। और आपका नंबर क्या है, फोन नंबर बताइए। मेरा फोन नंबर 9818079430। ठीक है, और कोई है जिसके साथ नाजायज हुआ है? कल मेरे साथ ऐसे ही हुआ है। हाँ। दो दिन बाद मैंने गाड़ी निकाला था कल। हाँ। और 300 रुपए कमाया था, पूरे पैसे ले लिया पुलिस वाले ने, कागज देखा ही नहीं, कह रहा है तेरा कागज ये फेल है, 8-7 दिन हो गया फेल होने का।
वो होमगार्ड था या पुलिस ट्रैफिक पुलिस था? पुलिस वाला था, ट्रैफिक वाला नहीं था, पुलिस का वर्दी था उसके पास। पुलिस का ट्रैफिक पुलिस था या पुलिस का वर्दी था? ट्रैफिक पुलिस वाला था नहीं उस टाइम कोई, सिर्फ पुलिस वाला था। पुलिस वाला था, ट्रैफिक पुलिस नहीं था। ऐसे मेरे को बोला कि आगे छोड़ दे। उसका नेम प्लेट, उसका नेम प्लेट देखा आपने? क्या नाम था? मैंने वो नहीं देखा। नहीं देखा आपने? नहीं, मैंने बोला सर मेरे पास 200-300 रुपए, कह रहा है 1100 लगेगा, 300 रुपए लेके उसने छोड़ दिया। पुलिस वाला था, मतलब नॉर्मल पुलिस वाला था, खाकी वर्दी में। खाकी वर्दी में, ट्रैफिक वाला नहीं था? नहीं, ट्रैफिक वाला नहीं था। और किसी के साथ हुआ ना जायज? आपके साथ कुछ नहीं हुआ? दो महीने से चालान नहीं कटा। ठीक है, दो महीने से मेरा भी चालान नहीं कटा है, मगर कल उसने तो 300 रुपए लिया। कई होली का मार लिया ना आपसे? हाँ, पीने खाने का मिला नहीं दो दिन से, तो होली का ले लिया है। ये 19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि प्राइवेट लाइसेंस में आप ये सब ई रिक्शा वगैरह ये सब आप चला सकते हैं। अच्छा, तो इसमें तो दिखा रहा है नेट में, लेकिन इस लाइसेंस में क्यों नहीं चलाया जा सकता? दिखाइए लाइसेंस, दिखाइए। बोल रहे इस लाइसेंस में तुम्हारा अलाउ नहीं है ये ऑटो चला। पहले यहीं का पुलिस वाला बोल रहा था कि तुम अगर लाइसेंस बनाए हो तो सिर्फ नंबर दिखा दो, इसमें नंबर दिखा दो। अच्छा, मेरे से लाइसेंस हाथ में लिया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निकालिए, ये रही, ये लीजिए एक सेकंड। अच्छा, ये है। अच्छा ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाइए, कहाँ है ये लिखा हुआ है इसमें? ये किसने भेजा आपको? ये व्हाट्सएप पे तो नहीं आया ना? नहीं, आपने इंटरनेट से कॉपी किया है? अच्छा, लेकिन फिर भी आपसे पैसे ले रहे हैं नाजायज? ले रहे। ठीक है, उसका चालान कर रहा है, जबकि इसमें लिखा हुआ है कि सारे यानी 7000 ऑटो में किलो वजन का कागज अगर रोके हो तो जितना चीज वो पूछता है ना उसके नीचे आपका लाइसेंस पूछना ही नहीं चाहिए। प्राइवेट चल सकता है, ये नहीं है वो नहीं है, बॉक्स दिखाओ ये दिखाओ, पट्टी नहीं है, पूरा पट्टी लगाओ, ये करो, तो इसमें कौन सा पूरा वो लगा हुआ है चादर का, जो मतलब इसमें हम उतना लगवाएंगे? ऑटो में जितना कागज ओके ना हो तब तो ठीक है, कागज अगर ओके है वर्दी नहीं है तो 100 रुपए का लाइसेंस भी है। लाइट जो होता है आपके जो फॉक्स वाली लाइट होता है उसके ऊपर काला पट्टी होना चाहिए, पीछे लाल पट्टी होना चाहिए, साइड में पीला पट्टी होना चाहिए, आगे सफेद पट्टी होना चाहिए, ये सब जरूरी है। ये तो है ना आपके ऑटो में? है तो लाल पट्टी है, पीला पट्टी भी दिख रहा है इधर। ये तो है ना सर, मगर इसका लाइट तो पहले से ही धीमा है, बड़े बड़े गाड़ी चल रहा है उसमें तो किसी ने बोला नहीं आज तक केस में पट्टी लोगो लाइट के आंखों में अगर बिना शक्कर का, मतलब कार के लिए कोई नहीं रोकता, ऑटो वालों को लूट रहे हैं, ऑटो वाले बाइक वाले को नहीं रोकते, कार वाले को नहीं रोकते, ऑटो वाले को लूट रहे हैं। मेरे पास सब कुछ रहता हुआ सर, उसने मेरा कुछ देखा नहीं, चालान में सब नील कर रखा है, होमगार्ड वाले को लेकर जो चालान मुझे दिया है उसमें नील कर रखा है, जब मेरे पास सब कुछ है उसने देखा नहीं, उसने नील कर रखा है। बताओ कि मैं जैसे मान के चलो कि पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे को अगर रोड पे खड़ा कर दिया जाए तो मैं तो हर गाड़ी को हाथ दूंगा। बिल्कुल, वैसे होमगार्ड वाले हैं, उनको बोल देता है भाई ऑटो वाले को रोकना है, वो लोग जो है ना हर किसी को, चाहे जिसके पास कागज है उसको भी रोकेगा, जिसके पास नहीं है उसको भी रोकेगा, और बस भेज दिया भाई जाके वहाँ पे चालान कटवा। किसी का मान जाता है वो जो चालान काटता है, किसी का नहीं मानता, जैसे गांव वाला हो गया यहाँ के लोकल वो लोग बोलता है ठीक है जा भाई, 6 बजे भी रूम साइड आता है, यानी बाहर के आदमी वो लोग रूम साइड चले तो कोई बाहर के आदमी को यहाँ जीने नहीं दे रहे। नहीं, पर भारत में तो आप कहीं भी कोई भी काम कर सकते हो, परेशान क्यों करते हैं आपको? लोकल आदमी को नहीं परेशान करते? लोकल आदमी को नहीं करते, आप लोग बंगाल से हैं इसलिए आपको ज्यादा परेशान कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये तो गलत बात है। ठीक है, आपकी बात जो है सही जगह पहुंचाते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है।